अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अब सुबह सुबह का टाइम था और बच्चे स्कूल जा रहे थे। मैं खुद इनको ड्रॉप करने आई हुई थी, क्योंकि आजकल का दौर नहीं है कि अलग-अलग बच्चे जाएं, तो बस मैं खुद इनके पास खड़ी होती हूँ। अगरचे कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे घर के ऊपर ही इनका स्टॉप है, लेकिन फिर भी खुद खड़े होते हैं ताकि बच्चे जो हैं ईजिली जा सकें। और बस उसके बाद ये कि बच्चे बस अब जा रहे थे, अरशमान की बस भी आ गई थी और नाबिया पहले जा चुकी थी। बच्चों को बस पे बिठाने के बाद मैं अब ऊपर आ गई थी, तो मैं यहाँ पर टेरेस पर बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ गपशप हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कल मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर सकी। हम इस वीकेंड पर जो है वो बाहर बच्चों को घुमाने ले गए थे। बच्चे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि आप लोग हमें लेके चले मामा, तो बस हम लोग फिर बच्चों को इस वीकेंड पर बाहर घुमाने ले गए थे। आउट ऑफ सिटी गए हुए थे हम। तो फिर उसके बाद ये कि भी कल हम फिर वापस आए थे शाम को। बस फिर जब हम पहुंचे थोड़ी देर के बाद, फिर मुझे पता चला कि हमारी चची जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो फिर हमें उनको पूछने जाना था और टाइम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा था, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। तो फिर हमें उन्हें पूछने के लिए जाना था, तो हम वहाँ चले गए। और वहाँ चूँकि वीडियो अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकी। फिर उनको पूछ कर तो फिर हम लोग काफ़ी लेट आए हॉस्पिटल से। और उसके बाद जब आए घर तो हमें तोहफा मिला कि लाइट हमारी चली गई, सो हम जो है आगे ब्लॉग अपलोड नहीं कर सके। ये हो गया रीज़न। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ। तो असल बात यह कि आज जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है घोड़ा शरीफ का ब्लॉग। काफ़ी टाइम से हम चाह रहे थे कि घोड़ा शरीफ जाएँ, लेकिन हम नहीं जा सके थे। तो बस हमें भी शौक़ था कि कवाली हमने सुननी है, और ये जो कवाली की महफिल होती है ये इनकी फ्राइडे को होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो बस फिर हम लोगों का प्रोग्राम बन गया अचानक से कि चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ चल पड़े घोड़ा शरीफ की तरफ कि कवाली सुनते हैं जाकर, और नमाज भी फिर हम वहीं पर जाकर पढ़ेंगे। तो बस फिर हम रेडी हुए और रेडी होकर फिर हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो बस फिर मैंने वहाँ पर वीडियो शूट की, अगरचे कि वहाँ पर अलाउ नहीं था इतना ज़्यादा, तो कहीं कहीं मैंने जो है वो सिर्फ पिक्स ली हैं, और जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। और तो चलें फिर आप जाएं और जाकर ब्लॉग देखें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? जाएं फिर जाके ब्लॉग देखें। चलें जी, हम चल पड़े फिर गोल्डा शरीफ पर, और यहाँ हम पहुँच चुके थे गोल्डा शरीफ में। ये मेन है, हाँ मस्जिद भी है और मज़ार भी है। तो बस अब ये जो है हम जहाँ जा रहे थे यहाँ से लेडीज़ का रास्ता था, तो हमने इस तरफ मुड़ना था, और शायद जेंट्स का पीछे है या आगे की तरफ था। बस हम यहाँ से अंदर हो चुके थे, और ये जो था यहाँ पर पीर साहब की नशिस्तगाह थी, जहाँ वो बैठते हैं और लोगों से मिलते मिलाते हैं। यहाँ गेट के पास जूते शूते देकर फिर हम ऊपर पहुँच गए, जहाँ पर महफिल No.
महफिल ख़त्म होने के बाद ये जो एरिया था हम इस तरफ आ गए, ये जो एरिया था यहाँ पर मर्द नमाज़ पढ़ते हैं, ये उनकी मस्जिद है दोनों तरफ, और यहाँ वज़ू करने की भी जगह बनी हुई है साथ ही। और ये जो है यहाँ ही हम बैठे हुए थे क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनकी जगह यहाँ पर बनी हुई है कि वो यहाँ नीचे बैठ सकते हैं और नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, और वो साथ वज़ू की जगह बनी हुई है जहाँ लेडीज़ वज़ू कर सकती हैं, और यहाँ बहुत ठंडा पानी होता है। इस तरफ फिर मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूं, इस तरफ भी छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए थे, इनकी कमरे थे बने हुए जहाँ पर लोग रह भी सकते थे, तो अभी भी लोग आ जा रहे थे। महफिल ख़त्म हो चुकी थी और ये इस तरफ इनके जो बीवियाँ और जो इनके भाई या जो भी जिनकी डेथ हुई है उन सब की यहाँ पर जो है कब्रें हैं, और ये मेन है सामने का, तो यहाँ पर काफ़ी रश था इसलिए हम इधर उधर नहीं हो सकते थे। नमाज हम पढ़ चुके थे और नमाज के बाद अब हम वापस जा रहे थे, तो बस ये मैंने पिक्चर उस वक्त ले ली थी जी। तो आपको कैसा लगा व्लॉग? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो बड़े पीर साहब थे, पीर मेरा अली शाह साहब, इनका हमारे गांव में और हमारे घरों में आना जाना बहुत था, तो इनका इतना ज़्यादा मतलब रिलेशन था कि ये अक्सर वहाँ आते जाते रहते थे हमारे दादा दादी के दौर में, ये उस वक्त की बात है। तो बस फिर जो है उसके बाद हमने जिस तरह बड़ों से सुनी कहानियाँ, तो वहाँ पर हमें फिर पता चला कि जो हमारी अबू की जो पप्पू की बेटी थी ना, उनके पास इनका पीर मेरे अली शाह साहब का कुर्ता भी था, वो भी हमने खुद देखा है। तो ये मतलब इस हद तक वहाँ पर आना जाना था इनका। तो ये थी मेन स्टोरी आज के लिए, बस इतना ही। मैं अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।